थैंक यू जीजस धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए राजा हाल लिया वो सचमुच आत्मिक रूप से बढ़ रहा हमारे लिए उचित है हाल लिया आमीन कितने लोग आज खुश है इस हाल आज के दिन हाल आज का दिन यवा ने बनाया जिसे हम आनंदित है हाल लिया सचमुच राजा हल्या जब इतवार का समय आता है हल्या वो हमारा मन हमारा हृदय ऐसा खुशी से झूमने लगता है क्यों हाँ क्यों क्योंकि हम प्रभु से बातें करेंगे हाले लिया प्रभु मुझे सुंदर सुंदर वचनों से हमें रूबरू करेगा हाले लिया ऐसा सोच के और सचमुच आज का दिन ने बनाया है। जिसे वचन का था आज का दिन यहाँ ने बनाया है। जिसे हम आनंदित है लिया प्रभु हम प्रियो प्रभु आपसे प्यार करता है यू नो दैट बिकॉज लॉर्ड लव यू हाले लिया सचमुच आप किसी को प्यार करते हैं आप अपने बेटे बेटियों को प्यार करते हैं वो पति पत्नी को प्यार करता है पत्नी पति को प्यार करता है हालिया सब एक दूसरे से जुड़े हैं हाल लिया उसकी सहायता करते हैं उसकी रक्षा रखवाली करते हैं हाले लिया उसकी चिंता करते हैं लिया ओ पर लेकिन हमारा परमेश्वर हालिया हमारी चिंता को करता है क्योंकि क्योंकि हमारा ध्यान है उनको हमारा ध्यान है हालिया आज सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा हलिया ओ तेरी उपस्थिति में हम जिए तेरी उपस्थिति में हम फाल लाए हाले ले कितने लोग खुश है हाले हाल हाले लोया थैंक यू जी मैं धन्यवाद देता हूँ राजा हलिया कि हम खुश है क्यों खुश है हम प्रभु में प्रभु कहता है प्रभु में आनंद है जीवन है हालिया वो खुद दुख हो गया वो खुद मारा और गाड़ा गया लेकिन वो तीसरे दिन जिंदा जिंदा हुआ हले रहिए वो जी उठा वो शैतान के ऊपर विजय हासिल करने क्या आज हा पर हम हाँ माले छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं लेरिया छोटी छोटी बाधाओं में फंस जाते हैं लेरिया वो शैतान आपके हृदय में आके क्या चीज में आ जाता है शैतान आपके हृदय में आके बीज बो के चला जाता है आपके भाई के द्वारा आपके बहन के द्वारा आपके पड़ोसी के द्वारा आपके कोलिग्स के द्वारा और तरह तरह इंटरनेट के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से उन सारी चीजों को आज हम निकालेंगे प्रभु का तायल लिया, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं। क्या किए जाएंगे तृप्त किए जाएंगे थैंक यू जी धन्यवाद राजा हल्हा धन्यवाद धितेश महिमा प्रभु जी लिया। थैंक यू जी जसिया धन्यवाद राजा हालिया थैंक यू जी जसा थैंक यू जी जसलिया आत्मरूप से हाल लिया ओ प्रभु के निकट आइए हल्लिया, ओ प्रभु के निकट आइए प्रभु जी इस आराधना रा के माध्यम से ओ प्रार्थना के माध्यम से हाल लिया अपने आप को शून्य कर दीजिए जैसा मेरा प्रभु ये सुबह अपने आप को शून्य कर दिया ओ एक आगे कार्य पुत्र एक आज्ञाकारी पुत्री बन जाइए हाल लिया ओ थैंक यू चीज जो आपको बहकाते हैं वो आपको जो बुरी बुरी बातों बताते हैं इन सारी बातों को प्रभु छोड़ते हुए अपने आप को सुनने कर ले प्रभुजी लिया प्रभु जी आलिया और उसके फाटकों में प्रेस कर रही है राबाशिक की थैंक यू है ओ धन्यवाद राज्य आलि ओ तेरी स्तुति और महीम प्राजा हलिया धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आलोरिया मैं हूँ तेरे पा प्रभु ये सुमेरे मसीह मेरे पापों के लिए भी उधार दे दे मसीह मैं आता हूँ मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु ये मेरे मसी मेरे पापों के लिए भी उधार दे दे उपकार थैंक यू जी धन्यवाद राजा हालेलुया ओ तेरी स्तुति और महिमा हमारे जीवन से प्रभु जी हलोरिया हो तू ने अपने लहू को बहाया प्रभु जी हलिया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा ओ तूने दे दिया हम विश्वास करते हैं राजा ओ के रूप से हमें जिला प्रभु जी हलिया ओ ताकि प्रभु जी तेरे वाचा में जिए और फल लाए राजा हलोरिया ओ सच प्रभु जी तू महान है प्रभु जी तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी हालिया ओ हम सांसर ने आत्मिक रूप से भी हम तरक्की करें यशु के नाम से ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हलिया ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी ओ देखने वाले मेरे भाई बहन प्रभु जी हलिया ओ सबको तू नाम, नाम आशीष को दे ओ बरकत को दे प्रभु जी जो उसके घर में जो समस्याएं हैं प्रभु जी ओ शैतान डेरे किया हुआ प्रभु जी ओ सारी प्रभु जी हलिया ओ सारी बंधन से आजादी को दे दे यीशु के नाम से ओ मैं खारिज करता हूँ यीशु के नाम से ओ शैतान के उठने बड़े सारे तूफानों को प्रभु जी ऋषि गुड नहतरबा ओ यवा ये ओ आपके जीवन में उपाय करेगा थैंक यू चीज ओ चंगाई को दे देता है रबा शिक के दरबा ओ ताकि ऊंचे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हल्या तेरा नाम रहे प्रभु जी हल्या और थैंक यू चीज धन्यवाद ग्लोरी हल्या तेरी स्तुति हमारे जीवन से हमेशा हमेशा मिल पाए प्रभु जी हरे धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उसके फाटकों में प्रेस करूंगा धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन हो बनाया मैं खुश हूं कि आनंद किया हलोरिया आनंद किया मुझे आनंद किया मैं खुश हूँ कि आनंद किया किया, मुझे किया, मैं खुश कि कितने लोग खुश है आज प्रभु की स्तुति और महिमा जब संडे आता है इतवार का दिन आता है हम झूमने लगते हैं गाने लगते हैं हालिया जब छोटे छोटे संडे स्कूल जाते थे हाल वो वो मम्मी कहते जल्दी रेडी हो जाए बेटा हालीलिया वो समझ नहीं आता कि मैं आज यीशु उसे मिलूंगा हल्लिया उससे बोलूंगा उससे बातचीत करूंगा हल्लिया वो छोटे छोटे नन्हे-नन्हे पैरों से हल्लिया वो भागते उछलते और कूदते हल्लिया वो आनंद जब प्रभिशी कहता है प्रवीश वचन पाते हैं कहता है वैसा प्यार मैं चाहता हूं जब तूने मुझे पहचाना हल्लिया अब सोचिए कब मैंने यीशु को पहचाना कब यीशु को मैंने जाना हल्डिया वो कैसा प्यार था हालिया आज आप प्रभुष्वश को नहीं पहचानते आज पहचान वचनों को माध्यम से अपने को सुनने कर लीजिए प्रभु में प्रियो हालिया ओ हालिया जस्ट की काम डाउन हल्डिया वो जीरो कर लीजिए अपने आप को प्रभु इसमें से जीरो अपने आप को कर दिया घोड़े बरसे हलिया बरछे चले हलिया मुँह पे थूका गया हालिया लेकिन वो हाल जैसा ये सब सकता ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी होने के लिए हाल दूसरे आगमन की हम तैयारी करते हैं प्रभु जी हाउ टू प्रेयर कैसे हलोडिया धन्यवाद देते हैं राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आराधना को प्रभु जी चलाने में गुआई को कर प्रभु जी ओ सुनने और सुनाने वालों को प्रभु जी हलिया थैंक यू जैसा हृदय से तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी ताकि तू प्रभु जी तेरा नाम ऊंचाफू जी लोग तुझे जाने या छुटकारा पाए लोग तुझे प्रभु जी लिया प्यार करे जैसा तू से प्यार करता है सबों को आशीष दे प्रभु जी youtube के माध्यम से देखने वाले मेरे भाई बहनों प्रभु जी लिया थैंक यू जीसस हमारे ये ही मकसद है थैंक यू जीसस आपको छुटकारा मिले आनंद मिले शांति मिले क्योंकि राज्य हल वो शांति का राजकुमार है धन्यवाद 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 देते हैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं सुन त्यास ग्रहण कर आमिन हाले थैंक यू जीसस आज हमारे बीच में आ, बेटा यशुरन और बहू सिस्टर हाले अनुपम हाले हमारे बीच में प्रभु की स्तुति और आराधना करी हाले थैंक यू जी धन्यवाद राजा हल्ला जब हम स्तुति करें हलिया हृदय की गहराइयों से हम करें ताकि ऐसा नहीं कि हम खड़े हैं हम खड़े हैं हम गार नहीं झूमते हुए झूमते हुए नाचते हुए हल्हा खुशी का इजहार आप कैसे करते हैं आपका चेहरा में कैसे ब्राइटनेस आ जाती है हल्ह वो ब्राइटनेस को चाहिए हल्ह ऐसा नहीं कि ब्यूटी पार्लर आप चले गए हैं वहां आप फेसियल करा लिए और कुछ कुछ करा लिए वो वगैरह वगैरह ठीक है लेकिन यहाँ पर जब प्रभु की आप संगति में आते हैं आपका चेहरा क्या हो जाता है प्रकाशमान हो जाते है ज्योति आ जाती है हाल लोहिया ऐसे ही ज्योति को हम आपके चेहरे में देखना चाहते हैं हाल लोहिया प्रेस द थैंक यू जीजस यीशु मसीह की जय जय. आइए हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है हाले आइए हम परमेश्वर की आराधना धन्यवाद के साथ करेंगे हाल धन्यवाद के साथ सुमेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेसुम कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के सा Bye-bye. Bravo. あ हाल हम लगातार एक और गीत को गाएंगे फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे हालया थैंक यू चीज़स फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से वो अभिषे कर दे फिर से वो आग पर दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से शेख कर दे आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा हो आप पवित्र आत्मा, आत्मा बहने दे उस हवा she ha तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा ओ आप पवित्र आत्मा ओ, आ, मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे से अपने मार्ग में चला हमको तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे देवी

आइए हम परमेश्वर की आराधना एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में करेंगे और वचन हमें सिखाता है कि जो यहवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं हाले लोइया आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करेंगे हाल लोइया थैंक यू यीशु मसी भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भला They come जीवन नया है दे दिया नाम ले कर पुकारा मुझे महिमा से मुझको Kunga me um rebel, me ha turk क्यों चीज़ हालेलुयाह आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे और पवित्र आत्मा आ हालेलुयाह हालेलुयाह थैंक यू चीज़ हालेलुयाह थैंक यू चीज़ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले All Yeshu ke chara. हालेलुया थैंक यू जीज़स। प्रभु नाम के नाम की स्तुति और महिमा हालेलुया सचमुच सुंदर-सुंदर गीतों से हालेलुया हम रूबरू हुए बहुत खुशी की बात है हालेलुया थैंक यू जीज़स। प्रभु में इस तरह इसी तरह आप बढ़ते रहिए प्रभु आपको आशीष दे थैंक यू जीज़स। प्रभु प्रियो हालेलुया आज का दिन यहोवा ने बनाया किसने बनाया है? आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें हम आनंदित हालेलुया हमारा हृदय आनंदित है हमारा हमारा मन आदि आनंदित है मेरा शरीर आनंदित है हालोरिया ओ जो सोचते हैं हालोलिया पासू साहब बोल रहे हैं भाई बोल रहे हैं कि आनंदित है मेरे जीवन में तो आनंद नहीं है मेरे शरीर में तो वो आनंद नहीं है हालिया ओ कम टू द चीज एस ओ प्रभु आपसे बात करेगा वचनों में हाल आपको चंगा करने वाला परमेश्वर हालोरिया ओ सचमुच इंतजाम करने वाला परमेश्वर है यवा वाह यी ओ थैंक यू चीज यस ओ सचमुच किसी को याद हल पिछले पिछले हफ्ते इस महीने का जो वचन परमेश्वर के सामने से जो वचन हमें मिला वो वचन क्या है मध्य हम देखेंगे मध्य समाचार उसका पांचवा अध्याय इसका छठवा पद में यू लिखा है धन्य वे जो क्या है धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे, जाएंगे जब हमें भूख लगता है हाल वो मैं कल एक जगह गया था हालीलिया किसी काम से थैंक यू जी डेढ़ बज गया भूख इतनी जोरों से लग रही है बहुत सारा भूख लग रहा है हालीया बहुत सारा भूख लग रहा है ग्यारह बज गया सॉरी वन थर्टी हो गया और जोरदार बारिश आ रही है हम लोग सेट में खड़े हुए हैं भाइयों के साथ सेट में खड़े हुए हैं बहुत सा बहुत घमासान बारिश आ रही है हालिया और भूख भी उतनी लगी हम बाहर नहीं जाते हैं हालिया थैंक यू चीज लिया जब छुट्टी में ढाई बज गया एक घंटा लिया लेकिन जब उस खाना को जब माया खाया हालिया कितना खा सकते हैं जितना लिमिट है हाल जितना हम खा सकते उतना ही खाया हलडिया लेकिन जब मैं खा के निकला प्रभु के नाम को स्तुति और महिमा मैं उस भाई को धन्यवाद दिया हालिया प्रभु जी आपने मुझे भाई मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भोजन कराया हम्म क्यों ये बातें क्योंकि मेरा मेरा मन तृप्त हो गया मेरा पेट मैं भूखा था मैं तृप्त हो गया वो तृप्ति से ये बातें निकल रही है हालिया लेकिन यहां पर प्रभु ये सुमसी हालिया यहां पर क्या कहता मैं तृप्त करूंगा क्या से करूंगा है? यहां पर बता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे हा? कैसे तृप्त किए जाएंगे पिछली बार हम देखे धर्म क्या है हल उसकी बातें क्या है मर्ग में प्रवीशमस ही आया हल पापो पापों से छुड़ाने के लिए आया हलिया ये सारी बातों को हम देखे और हम अब बहुत सुंदर बातें परमेश्वर के सामर्थ ने सामर्थ से हमने सुना और सुनाया हल्दिया और आपने भी बहुत ही सुंदर ढंग से हल लिया उस बातों को वो सुंदर और मीठी बातों को सुना हलिया हल प्रभु आपको उस वचनों के द्वारा आशीष आशीषित करे हल्या यहाँ पर है वह आपको जानता है आज का सब्जेक्ट है प्रभु हमें चलाता है इज इट या दूसरे शब्दों में करेंगे परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है कैसे भैया आप बोलेंगे कैसे प्रभु मेरी अगुवाई करता है हा? हम देख नहीं सकते हैं आज बोलने से पूरे विश्व भर में करोना वायरस फल रहा है करोना वायरस क्या हो रहा है फल रहा है फूल रहा है हल्डिया प्रभु में प्रियो हलिया हल प्रभु आपसे प्यार करता है हल्डिया वो वायरस दिखता नहीं है क्या नहीं करता है वो वायरस दिखता नहीं है लेकिन फिर भी जिस देश जिस शहर जिस गांव जिस गली जिस मोहल्ले जिसके घर में जा रहा है वहाँ के लोग इफेक्टेड हो जा रहे हैं परेशान हो जा रहे हैं वो शुरू में तो आता है यूं ही लेकिन बाद में वो अपना जाल बिछा लेता है हाँ शैतान की भी यही प्रतिक्रिया है आपके हृदय में एक बीज को डाल देता है आपको आपको गंदा बना देता है हु? ताकि आप कोई काम का ना रहे हाँ आप आप कोई अच्छी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं हैं अच्छी बातें आप बोल नहीं सकते हैं आप किसी का अच्छा कर नहीं सकते हैं लेकिन प्रभु आपको जानता है हम निकालेंगे युहनर, युहनर उसका दसवा अध्याय उसका चौथा पद पढ़िए और जब वह और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है तो वह उसके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका साथ पहचानती क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है हालया हाल लुया क्या करती है क्योंकि वह उसका शब्द को क्या करती है पहचानती है हाल लुया आपकी बेटी और बेटिया हाल लुया शुरू से आप उसको हल्लिया जब इस दुनिया में आया आपका बेटा आपकी बेटी हलिया तब से ही जहां कहीं भी जाए हल्डिया दूर हो आवाज क्या है आवाज आपका बेटा पुकारे आपका आवाज पता चलेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, है? आपकी बेटी आपको बोलेगी चिल्लाएगी मां करके तो वहां पर भी आपको नजर के हाँ ये मेरा बेटा है, है? या मेरी बेटी है हालिया वो शब्द सुनता है हालिया यहाँ पर एक चरवा अपने भेड़ों को हालिया यहाँ पर जब वह अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है क्यों प्रभु हल्हा वो आगे आगे में आगे वे चरवा एक चर्वा अच्छा चरवा की बातें बोलिए अच्छा चरवा आपको आगे आगे लेके चलता है ताकि भेड़िया ना आ जाए आपको आपके जीवन को आपके शरीर को चीड़ फाड़ ना ले और सारी बातों से आपको बताए आज प्रभु हल्लिया आपके पास आया है आपको हाथों पकड़ता है हलोडिया चलो कम कमाउ हल्डिया दबे हुए हैं बीमार हैं, लाचार हमारे में हिम्मत नहीं है क्यों हिम्मत नहीं है भाई क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल पावर नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि वो पैसा को मैं बिजनेस में लगाया मेरा बिजनेस डूब गया और कोई नहीं मेरा भाई साथ था मेरी बहन से मेरे दोस्त जो अच्छे दोस्त थे वो भी मेरे साथ थी लेकिन आज फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते मैं परेशान हूं प्रभु आपसे प्यार करता है तभी तो वो आगे आगे चलता है एक बार अब बुलाइए हलोलिया वचन कहता है फरक कर देखो यह कैसा भला है वो चक्कर देखो हलोलिया चक्कर देखो यसो यह कैसा भला है प्रभु के साथ आइए प्रभु से बोलिए बातचीत कर हलिया फर्स्ट यू कैन ओपन योर माउथ हाल अब मुंह खोल के परमेश्वर से विनती है प्रार्थना कीजिए हाल लिया ओ प्रभु जी मैं तेरे दर पे आता हूँ ओ प्रभु जी मुझे क्षमा कर जो भी जाने या जाने में हमने पाप किया है वो अंगीकार करके आप आ जाए कुछ नहीं जरूरत नहीं है आपको कोई भी चीज ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपका हृदय को चाहता है अल्लाह वो जानता है आपको कौन पर, किस परिस्थिति में है वो आपको जानता है तभी तो वो आगे आगे चलता है क्या करता है वो आगे आगे चलता है ताकि तुम मेरे पीछे हो ताकि कोई भी मुसीबत कोई परेशानी हो मैं झेल लू तुम सुरक्षित रहो हाले लॉर्ड हाल प्रभु हमसे प्यार करता है तभी तो वो एक चट्टान की तरह खड़े रहता है हल्डिया जब मुसीबत के समय हालिया ओ मुसीबत समय डर हाल सारी चीजें हालिया लेकिन फिर भी हम डरते हैं प्रभु के पास आइए प्रभु आपसे प्यार करता है क्यों ये भजन संहिता हम देखते भजन संहिता तेईस उसका तीन वचन में यू करता है धर्म के मार्ग में वो मेरी क्या करता है अगुवाई को करता है, है। हाल लोया आप सांसारिक रूप से तो बढ़ रहे हैं आप कमाने जान रहे बिल्डिंग बना रहे घर बना रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं हलोडिया लेकिन आपका जो आंतरिक हृदय है जो आत्मिक है वो आत्मिक आप आत्मिक बातों में आप कितने तरक्की कर गए हैं है? प्रभु हमें चलाता है कैसे चलाएगा हलोडिया वो सांसारिक बातों में आप पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं है? क्योंकि हमारी यह फितरत है हमारी ये स्वभाव है कि हम तुरंत ही कोई बोली हुई बातों को तुरंत हम यकीन कर लेते हैं लेकिन जो सोचनी है समझने उन सारी बातों को हम यकीन नहीं करते हैं प्रभु में प्रियो हालीडुआया वो धर्म के मार्ग में वह मेरी अगुआई को हालिडुआ वो जब एब्राहम जब एब्राहम जब बुजुर्ग अवस्था में जब उसका इकलौता पुत्र ईशाक पैदा हुआ तब पैदा होने के बाद परमेश्वर से क्या कहने कहता है कि ईशाक को दे दो I want your, uh, your son, वो कितना परेशान होगा कितना दुखी होगा कि मैं मेरे इतने बुजुर्ग अवस्था में मेरा बेटा हुआ है सो भी एक लौता है उसको बोलता है बलि चढ़ा दो हालडिया इतना आज्ञाकारी वो फिर भी चला जाता है जाके हालिया वो बेदी बनाता है उसके ऊपर उसके लेटे आता है बेटा कहता है कि बली में चढ़ाने वाला वो मेमना कहा है वो भेड़ कहाँ है फर्स्ट वो जैसे उसके कहते हैं, जैसे उसके पिताजी कहते हैं वैसे, वैसे वैसे वो खरता चला जाता है प्रभु प्रियो प्रभु आपसे प्यार करता हैलोरिया ओ इसी तरह हल्या वो, वो चढ़ जाता है वो जैसे वो चाकू अपने बेटे को ऊपर रखता है और तब आवाज आती है रुको भेड़ की में, में आती हुई आवाज को सुनता है रुक। तब एब्राहम उस जगह का नाम देता है यह वो उपाय करता है लिया। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है आज दुखी है परेशान है हाउ टू सरवाइव तरह मैं अपने जीवन को चलाऊंगा किस तरह अपने बाल बच्चों के जीवन को मैं सुधारूंगा किस तरह अपने पूरे परिवार को समुचित रख के उसके नाम की स्तुति और महिमा गाऊंगा नथिंग हल् बिकॉज आई हैव नो पावर देर इज नो देर इज नो एनी वे वट विल डू क्या करूं द ओ यीशु के पास आइए पर है भजन जीवन में बनाए रखूंगा hallelujah. और वचन कहता पहला पत्र उसका पांचवा अध्याय और सातवा वचन में बहुत ही सुंदर तरीके से हलोरिया हम इन सारी वचनों को हम देखते हैं थैंक यू चीज और अपनी सारी चिंता क्या है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो वो अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो उसी पर भैया उसी पर कौन है परमेश्वर के ऊपर डालना हाल लो किसके ऊपर परमेश्वर के ऊपर जब हम अपनी समस्या को क्या कर देते हैं डाल देते हैं जो अपनी समस्या को डाल देते हैं सारी अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको, उसको है। क्या है उसको तुम्हारा ध्यान है, है। इट्स अ बेटर देन आपको केयर करने के लिए आपको शांति देने के लिए आपको बरकत देने के लिए आपको छुटकारा देने के लिए यह पर कहता है अपनी चिंता सारी चिंता नहीं लिखा यहां पर अपनी सारी चिंता इट्स एवरीथिंग हलडिया वेदर यू कैन वरी अबाउट इट हलिया जिन बातों में आप विचार सोच विचार करते हैं वो परेशानी में रहते हैं उन सारी चीजों को तुम लेके आओ किसके पास यीशु के पास लेके आओ चिंता करता है क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है हा ले अपनी चिंता यीशु पे डालो क्योंकि दूसरा तुम्हारा ध्यान है अपनी चिंता यीशु पे डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ज्ञान है ऊंचे 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 नीचे नीचे सैत नीचे नीचे ऊंचे ऊंचे यीशु ऊंचे 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 नीचे नीचे सैत नीचे नीचे हालेलुया क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है यीशु बताना चाहता है हालेलुया बिकॉज आई एम विथ यू एक दो दिन के लिए नहीं ऑलवेज हालेलुया वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है तभी तो हमारी चिंता कहता है प्रभु हमें चलाना चाहता है प्रभु हमें अगुवाई को करता है हालेलुया वो प्रभु के प्रभु के नाम को और धन्या। धन्या। धन्यवाद हो हालिया वो क्योंकि वो हमारे चिंता को कहता है रेस्पेक्ट योर मोमेंट डैड हालिया वो जब आप अपने माता पिता का आदर को करते हैं इज्जत को देते हैं क्यों इज्जत को देते हैं क्योंकि your mom and dad eliya अबाउट यू वो आपसे प्यार करते हैं इसी का नतीजा है क्योंकि वो आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं जो आप जो चिंता करते हैं आप पढ़ाई में चिंता करते हैं वो कॉलेज में चिंता करते हैं आपको नौकरी के कारण परेशानी हो रही है ओ कम टू द चीज ऐसा ओ जैसा माता पिता प्यार करता है वैसे यू आपको प्यार करता है धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तू मुझे चुना है प्रियो हलिया माँ के गर्भ से ही आपको चुन लिया रिया। अच्छी राहों में ले जाने के लिए थैंक यू मैं किससे डरूंगा आपको डरने की जरूरत नहीं इब्रन हलरिया इब्रानी के पत्री उसका तेरा अध्याय उसका छह पद में हलिया यू लिखता है हल्थ थैंक यू चीज वो तेरा का छे पढ़िए थैंक यू चीज इसलिए हम इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है कौन सा आएगा भाई प्रभु प्रभु मेरा सहायक है हां। मैं ना डरूंगा मैं ना डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता क्या करेगा मनुष्य मेरा क्या सकता है क्या क्या कर, कर सकता है चौथा वचन पढ़िए चार और पांच उसी का इब्राहिम के पत्री उसका तेरा अध्याय उसका चार और पाँच विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछावन निष्कलंक रहे क्योंकि परमेश्वर व्य विचारियों और परिस्थमियों का न्याय करेगा तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा क्या है यहाँ पर यहाँ खुद परमेश्वर कहता है तुम्हारा लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष क्या करा? करो क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, त्यागूंगा।, त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर प्रभु मेरा सहायक है मैं ना डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है प्रभु हमें चलाता है चलाता है वो पॉइंट टू पॉइंट हमें लेके चलता है ओ प्रभु यशम ने यशम सिंह ने कहा मार सच्चाई या जीवन क्या हूँ मार सच्चाईर जीवन मैं हूं हालेलुया ओ जोर मो मेरे पास आता है हालेलुया जो मेरे पास आता है उसका जो शोक है वो क्या है शोक है वो आनंदे बदल जाता है जिसमें बुराई है वो अच्छाई में लेके आ जाता है वो जो जो जिसके वो अंधों को आंख दिया हालेलुया वो लंगड़ों को फेर को दे दिया मुर्दे को जिला दिया हल्ल्या ऐसे प्रभु की स्तुति हम आराधना करते हैं हल्या वो विश्वास को करना है हल् जब भी जब भी मेरे जीवन जब भी परेशानी आती है वो समस्या आती है हल् मैं प्रभु के पास आता हूँ घुटने टेक के मैं बिंद प्रार्थना करता हूँ वो जोर जोर से चलो प्रभु जी मैं दरवाजा बंद करके हल् अपने बेटों से अलग होके अपने पति से होके हल् नाउ स्टार्ट योर प्रेयर फ्रेयर हल् अपना जो हल् वो पर्सनल प्रेयर

सब गाता है हालेलुया यहोना रचय समाचार उसका 16 अध्याय 23 और चौबीस पद यहोना रचय समाचार उसका 16 अध्याय उस दिन उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे तुम उस दिन मुझसे कुछ ना पूछोगे मैं तुमसे सच सच कहता हूं क्या कहता हुँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा किसके नाम से देगा वह यीशु के नाम से तुम्हें देगा आगे बढ़िए अब तक अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं तुमने मांगा। तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा मांगो मांगो तो पाओगे मांगो तो क्या होगा हो हाँ। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु आपसे प्यार करता है जा। 20 वचन को पढ़ेंगे थैंक यू जीसस 20 वचन को पढ़िए उसी का हाल लिया। ओ यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन थैंक यू जीसस मैं तुमसे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे तुम रोगे विलाप करोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा परंतु संसार आनंद करेगा तुम्हें शोक तुम्हारे तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा हाल तुम्हारा शोक आनंद बदलने बदल आनंद में बदलने के लिए यीशु आपके पास आता है, है और कहता है कहता है यशु कहता है प्रभु हमें चलाएगा कैसे बिकॉज हालेलुया वो जब पत्र पानी में हल रहा वो देखता है यीशु आ रहा है हलया वो पानी में चल के आ रहा है हलया उसके पास जाता है हलया वो एक कदम चलता है हालेलुया वो दो कदम में भी नहीं गिरता है लेकिन तीसरे कदम में रखता है वो झील में डूबने लगता है ओ प्रभु यीशु यीशु मसीह उसे हाथ पकड़ लेता है हलया हे अल्पविश्वासियों वेयर आर यू कहा विश्वास क्योंकि हमारे विश्वास ने मुझे दगा दे दिया हम विश्वास ही नहीं करते जो तुम्हारा शोक है आनंद में बदल जाएगा वो शोक जो आप दुखी मनाते हैं लिया। आपको ताड़ना पड़ती है क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है आप अपने निकटियों को बताते हैं अपने भुड़ियों को बताते हैं वो लोग हट करे भैया भैया समीर को तो प्रॉब्लम है वो ढिंडोरा ठुकने लगेगा भैया कि उसके घर में ये प्रॉब्लम है अरे भैया उसके घर में वो प्रॉब्लम है भैया वो वो एक बातें होगी दो बातें होगी तीन बातें होगी चार बातें हो वो एक से एक लोग जुड़ते चले जाएंगे जुड़ते और जुड़ते जाएंगे हर एक मुंह में वो बढ़ोतरी चलते होती जाएगी हाल लिया की फलाना को हाल लिया वो शुगर पेशेंट है वो उसको ब्लड प्रेशर है उसको ये है वो है तरह तरह की बीमारी है आजकल दुनिया ऐसा है कि एक जन एक बीमारी बताओ तो चौथा आदमी के पास वो सब्जेक्ट जाने से जाने पर लोग मार देते हैं लोग कोमा में भेज देंगे क्या भेज देंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यहां पर वचन हमें क्लियर कट बताती है यहां पर बता दे क्या परंतु संसार आनंद करेगा हैं जो सांसारिक रूप से जीते हैं वो लोग आनंद दे रहे भैया इस तरह की बातें हैं समीर के जीवन में इतना बड़ा बवाल आ गया रमेश के जीवन में इतना बड़ा बवाल आ गया वो लोग ये बातें बोल बोल के बोल बोल के वो लोग अपने ही रोटी सेकते रहते हैं प्रभु मैं प्रियो डोंट आस्क एनीबॉडी आपकी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व कर रहा है यीशु कहता है मैं कम ढाल लिया मेरे पास आओ हाल लिया ओ क्योंकि सच्ची लाख दता यीशु है यीशु का मार्ग सच्चाई है जीवन मैं हूं मैं तेरे शोक को आनंद में बदल दूंगा और अब क्या चाहिए टेल मी व्हाट यू वांट क्योंकि साफ तौर से हमें हल्या साफ तौर से हमें वचन बताता है हाल लिया तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए लास्ट पद को देखेंगे थैंक यू जी जस प्रभु में प्रियो प्रभु आपसे प्यार करता है थैंक यू जी ओ थैंक यू जी जसाल और निकालेंगे थैंक यू जी जसाल प्रभु प्रियो और यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले मेरे भाई बहनों हाल लिया प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे हाल प्रकाशित वाक्य है उसका सात 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 अध्याय प्रकाशित वाक्य सात का सत्रह प्रकाशित वाक्य सातवा सत्रह वचन क्योंकि क्योंकि मे जो सिंहासन के बीच में है जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोछ डालेगा क्या करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू सब आंसू लेके चला जाएगा प्रेज़ द लॉर्ड वो जो आप सोचते हैं आपसे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपकी चिंता करता है वो अपने आप को सुनने कर देता है वो अपने आप को उठा अपने आप को पूरे शरीर को दे देता है वो बलिदान होने का कतरा कतरा वो बूंद बूंद प्रभु ऐसा मसी का लहू जुड़ा है वो मारने किसी को नहीं आया वो किसी को ढाने नहीं आया हलिया हल अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया वो क्योंकि जब तक आप प्रभु का लहू उसका दर्द को जब तक आप महसूस नहीं करिएगा आपको पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता है ओ क्योंकि आप मोक्ष प्राप्त प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हल लिया ओ प्रभु के निकट आना है और ईच एंड एवरी डे डे हल वो हर दिन प्रभु के वचनों से रूपरू होना है वो आपका जो पर्सनल प्रेयर हल वो तभी सच में उछल वो आपको चलाएगा हल लिया वो प्रभु हमें चलाता है प्रभु हमें अगुवाई को करता है क्योंकि प्रभु हमारा ध्यान रखता है धर्म के मार्ग में हैलोरिया वो सांसारिक बातों में हल्हा आपके नौकरी में हल्दिया बढ़ोतरी को देता है आपके बाल बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी को देता है वो जहाँ आप जहाँ पर आप फंस जाते हैं वो उस सारी चिंता को निकाल बाहर कर देता है और कहता है कि मैं जीवन का जल तुझे देता हूँ हल्दिया और जीवन का जल तभी जब जब आप अब अपने हृदय से हल् प्रभु को माने हल्दिया ये मेरा उद्धार करता है हल्हा वो उन्हें जीवन रूपी जल जल के सोते के पास लेके जाए ताकि तुम उसे पियो हल् और परमेश्वर उसकी आँखों से सब आंसू को क्या कर लेता है पोच लेता है हल्हा जब हमारा समस्या खत्म हो जाता है तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है हल हम आनंदित होते हैं मैं शुरू में ही कहा हल्हा वो क्योंकि आज का दिन ये ने बनाया है जिसे हम आनंद जब आनंदित हो जाते हैं प्रभु प्रियो तो हम सचमुच कहेंगे कहते हैं इस वचन के अनुसार जो ये महीना गोड वर्ष फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर हल् टू थाउजेंड ट्वेंटी जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे इट्स क्लियर हाल लुया हो थैंक यू हाल लुया थैंक यू जी उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा हाँ प्रभु जी हाल थैंक यू चीज ओ थैंक यू चीज हाँ प्रभु जी ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी लिया ओ लिख दीजिए भी है हलिया ओह oh, हालिया दो मिनट हालिया ओ oh, प्रभु के निकट आइए हलिया ओ oh, जो भी समस्या है वो आपके सर में जो भी बीमारी है वो जो परेशानी है आपको परेशान करती है आपका सर दर्द हो हालिया आपका पैर दर्द हो ओ हालेलुया आपका स्टोमक बार बार खराब रहता है हल्या, वो आपको बार बार परेशान रहती है आप गोलियां खाते हैं हल्या? आप गोलियां खाते हैं और बार बार आप सोचते हैं कि आज के बाद मैं गोलियां नहीं खाऊंगी वो पेट खराब होने से जो गोलियां खाते हैं रबा शिक और राइट वाले लिया वो आपके आतड़ियों को यशु चंगा कर रहा है और राइट ओ प्रभा धन्यवाद देते राजा अल्लाह आपकी आतड़िया आतड़िया ठीक हो रही है यशु के नाम से ओ धन्यवाद प्रभु जी अल्लाह ओ माइग्रेशन जा

मुझ जो कार्य मेडिसिन नहीं होगा वो यश्यू कर देता है ओ लंगड़ों को प्रभु जी हल लिया उसने चला दिया लाशी के दराबा मैं हाथ उठाक गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊँचा मैं हाथ तो मैं हाँ उठाक गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊँचा मौत से मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे नई माँ से मुझको भर दिया मौत से मौत से है बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम, नाम ले करीज चीज से झा लिया आ मेरे प्रभु उस चंगाई को मांग लेते हैं राजा आले लुया ओ हाँ प्रभु जी आपने तुरंत लहू पाया ओ मेरे कोड़े खाने से अल मेरे कोड़े खाने से ऐसे मेरे कोड़े खाने से चंगे होते हैं तेरे कोड़े खाने से जो लोग चंगे होते हैं राजा लिया ओ क्योंकि सारे दुख तकलीफ को लेकर क्रूस पर चला है। जो कलंक था प्रभु जी आले मैं हाथ उठा ठाक गाऊंगा यशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ मैं हाथ उठा ठाक गाऊंगा यशु तेरा नाम रहे ऊंचा हाँ प्रभु जी ओ धन्यवाद तेरा अच्छा लिया ओ यह सीज़ा सर नया जीवन को दिया है रिज को धन्यवाद देते हैं प्र

मेरे मेरे बेटे, मेरे बेटी उन लोगों को क्षति नहीं हो उन लोगों को परेशानी नहीं हो थैंक यू नाम लेके पुकारा है, है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा हलूरिया तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी और यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले मेरे भाई मेरे बहन प्रभु जी हलिया थैंक यू चीज हो धन्यवाद देते प्रभु जी हलिया आप महसूस करेंगे कि ने मुझे चंगा किया है प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी विश्वास कीजिए थैंक यू आज मैं यहां पर खड़ा हूं अल्डिया दया है प्रभु जी उसकी करुणा है प्रभु जी अलिया जो महान है प्रभु जी हल रिया मिट्टी जो प्रभु जी तू खड़ा किया है प्रभु जी बिकॉज आई एम नथिंग माई लॉर्ड हल्हिया जीरो प्रभु जी अल्लाह धन्यवाद देते हैं राजा हालिया तो हमसे प्यार करता है राजा तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अल्लाह धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अल्लाह सारी इज्जत आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी प्रार्थना के नाम सुनाते सुन देश ग्रहण कर प्रभु मैं प्रियो हालिया ओ सचमुच तुम महान है प्रभु जी हालिया ओ सचमुच जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है हल्डिया वो जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है आप टाइप करके हाल आप बता सकते हैं हम पूरे बोझ के साथ पूरा परिवार पूरा घराना उस समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करें हल्डिया वो ताकि प्रभु जी आपका जो आप रिक्वेस्ट देंगे उसके लिए हम प्रार्थना करें ताकि जो समस्या है जो शोक है वो आपके जीवन में आनंद में बदल जाए प्रभु आपसे प्यार करता है हलोलिया निरंतर उसके नाम की जय स्तुति और महिमा गाय हल्डिया और हमें इन सारी बातों को बताना अपन ना भूले कि प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ गवाही हलिया ताकि और लोग भी उस गवाही को सुने देखें और, और लोग भी आशीषित हो जाए धन्यवाद देते हैं राजा हल्ले सुंदर समय के लिए प्रभु जी अगुवाई करने के लिए प्रभु जी सुंदर सुंदर गीतों से रूबरू करने के लिए प्रभु जी और अपने वचनों से बात करने के लिए प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा हल् धन्यवाद राजा हल्या तेरी स्तुति हो प्रभु जी हलिया अनुग्रह कर ताकि तेरी वाचा में जिए और उसकी उसके अनुग्रह अशक प्रेम और पवित्र आत्मा का साफ गीता हम सब के साथ सर्वातरा है आमिन हाले लोहिया हाले लोहिया हाले बोलो यस मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे आमिन को जय मसीह की